Good morning, friends. So you were given two problems for the home exercise, problem number 8 and 15, and you were supposed to prepare liquidator's final statement of account. Yes, let us first check the answer of problem number 8. Ka answer check kar lo ek bar, sab log dekho screen pe answer. Surplus from securities is 1,40,000. 240 minus 1 lakh. Assets realized are plant and machinery, patent, stocks, sundry debtors. Total works out to 7,40,000. Cash at bank is 60,000. Liquidation expenses 21,800. Liquidator ka remuneration barabar check karo. Commission on all assets realized 3% of 9,80,000. 29,400. Ye 9,80,000 kaise aaya samjha? 740 plus surplus from securities, you cannot take 1,40,000, it should be 2,40,000. ये 2,40,000 होना चाहिए, तो total 9,80,000 हो जाएगा. 2% commission on amount paid to unsecured creditors, मैंने specifically homework देते वक्त समझाया था कि यहाँ पे unsecured creditors में preferential creditors include होंगे, तो टोटल क्रेडिटर्स प्रॉब्लम में दिए हुए 2,90,000 है. आउट ऑफ 2,90,000 1 लाख का लोन था, तो बचे हुए 1,90,000 इंक्लूडिंग प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स है वो, बट दैट इज अनसिक्योर्ड. सो 1,90,000 पे 2% 3,800. प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स 30,000 के आ गए. डिबेंचर्स का देखो बराबर किया क्या आपने, डिबेंचर्स प्रिंसिपल अमाउंट तो 2 लाख है, बैलेंस शीट में दिया हुआ जो इंटरेस्ट है वो 10,000 रुपये है, और एक्चुअल पेमेंट्स कब हुए, 30 जून को हुए, तो और 6 महीने का लेना पड़ेगा. ईयर सेम है आपके मटेरियल, आपके सॉल्यूशन का और मेरा, या ईयर मेरा अलग है? ईयर जाने दो ना, अमाउंट्स देखो तुम, मेरा ईयर में भी पुराना रहेगा. हाँ, अमाउंट सेम है, 2,15,000. क्रेडिटर्स बचे हुए अनसिक्योर्ड 1,60,000. 6% प्रेफरेंशियल होल्डर्स 448 एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट आया. अब ये सिचुएशन 3 में था, एक्चुअली ये सिचुएशन 3 में था ये, राइट. यहाँ पे वर्किंग नोट नहीं भी बनाई तो चलती है, बट आपको मैंने उस दिन भी कराई थी वर्किंग नोट प्रैक्टिस के लिए, तो आपने बनाई वर्किंग नोट? अगर बनाया वर्किंग नोट तो चेक करो. मैंने भी बनाया वर्किंग नोट, देखो. कितने लोगों का आया आंसर, करेक्ट सॉल्व किया? अगर कहीं कुछ गलती की है आपने तो रेक्टिफाई करो. मेरा आंसर राइट है? इतनी देर क्या कर रहा था रे, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जब पिछले 15-20 मिनट आधे एक घंटे से मैं डिस्कस कर रहा हूं. ऋतिक किसके पास ध्यान है बेटा, क्या कर रहा है? तेरी वाली तो क्लास में नहीं है ना. देख, चेक कर आंसर, कौन बोला जान दे रहे, तो चेक कर आंसर. हो गया, डन. 15th प्रॉब्लम, 14th प्रॉब्लम. फिफ्टींथ शायद क्लास में किया था ना. चेक करो बेटा आंसर. डेट्स माइट बी आपके आंसर में मेरे आंसर में फर्क रहेंगे, बट अमाउंट सेम है.
कॉल ऑन कॉन्ट्रीब्यूटर ये 4 रुपए का हो रहा है 5000 शेयर्स पे. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दोनों लिए, प्रॉब्लम में दिए हुए 1,05,000 एंड इनकम टैक्स ऑन लिक्विडेशन 44,500 था, तो ये दोनों लिया. बोला था ना मैंने ये, जब मैंने होमवर्क प्रॉब्लम दिए थे तो मैंने डिस्कस किया था, प्रोवाइडेड तुम्हारा अगर ध्यान मेरे पास था तो आपको याद रहना चाहिए, किसी और के पास ध्यान दे रहे थे तो पता नहीं क्या है. होमवर्क अकेले ही सॉल्व किया करो तो बराबर आते हैं, जोड़ी से सॉल्व किए तो प्रॉब्लम होता है. हाँ एक्सपीरियंस तो है ना, जो तो हर साल ऐसे बच्चे आते हैं जो जोड़ी से सॉल्व करके आते हैं तो वो बराबर नहीं करते, तो एक्सपीरियंस तो है ना. चेक करो, टोटल ऑफ द स्टेटमेंट इज 30,70,000. ये कितने लोगों ने किया? गुड, दोनों प्रॉब्लम किए ना. कई बार मेंटेलिटी ऐसी रहती है, दो प्रॉब्लम होमवर्क दिए कि एक किया तो फिर दूसरा, एक ठीक है ना सर, एक किया है तो बाहर थोड़े निकालेंगे, ऐसे नहीं है. दोनों प्रॉब्लम होमवर्क किए तो दोनों करने का, द रीजन बीइंग वंस यू गेट एंगेज यू हैव टू गेट मैरिड विद द सेम पर्सन. आधे अधूरे में छोड़ना नहीं काम. हाँ तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. yes. क्या क्या बाबा ने होमवर्क चेक करो, वर्किंग नोट करेक्ट है? सिंसियर स्टूडेंट्स सॉल्व किया बेटा? वेरी गुड. बाकी बैचेस में तो मैं सरकास्टिकली बोलता था सिंसियर स्टूडेंट जो आंसर नहीं देते, चुपचाप बैठे रहते थे, बट ये सच्ची में तुम्हारा वो टैग अच्छा है, सिंसियर करते ना सॉल्व. मैं तो आज चेक करके बाहर निकाल देता हूं, नहीं किया है तो. आई ट्रस्ट यू पीपल. प्रॉब्लम नंबर हम लोगों ने फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा था. थर्टींथ प्रॉब्लम, लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन एग्जाम ट्वाइस इन टू डिफरेंट अटेम्प्ट. सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, अच्छे से ध्यान दो. 13th प्रॉब्लम आई रीड आउट, ध्यान दो सब लोग. अच्छा अच्छा आगे बैठना है क्या? आ इधर आ, ये रोहित भी अच्छा बच्चा है, उसके बाजू में बैठ सकता है. फिलहाल थोड़ा सा वो गम में है. थर्टींथ प्रॉब्लम, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अनफॉर्चुनेट लिमिटेड एज ऑन 30th September 2017. शेयर कैपिटल इश्यूड कैपिटल 10,011% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड, 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच रुपीज 7.5 पेड, 13% डिबेंचर्स मॉर्गेज लोन बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर्स फॉर ट्रेड इनकम टैक्स एरियर्स असेसमेंट कंक्लूडेड इन जुलाई 2017. इट शुड बी जुलाई 2017. करेक्शन है, करेक्शन कर लो. जिनके मटेरियल में करेक्शन करके प्रिंट होके आया है उनका ठीक है, जिनके मटेरियल में करेक्शन नहीं हुआ है तो जुलाई 2015 नहीं है, वो जुलाई 2017 है. नीचे असेसमेंट ईयर जो है ना, असेसमेंट ईयर 12, 13, 14, ये चेंज नहीं भी किए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रहने दो उसको. वैसे लैंड एंड बिल्डिंग सन्ड्री करंट एसेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ. Mortgage loan was secured against land and building. Debentures were secured by floating charge on all the other assets. Company was
unable to meet the payments and therefore the debenture holders appointed a receiver and this was followed by a resolution for the members voluntary winding up. The receiver for the debenture holders brought the land and building to auction and realized 1,50,000. He also took charge of sundry assets of the value of 2,40,000 and realized 2 lakhs. The liquidator realized rupees 1 lakh on sale of the balance of the sundry current assets. The bank overdraft was secured by a personal guarantee of two of the directors of the company and on the bank raising a demand, the directors paid off the dues from their personal resources. Cost incurred by the receiver were 2,000 and by liquidator 2,800. The receiver was not entitled to any remuneration but the liquidator was to receive 3% fee on the value of assets realized by him. Preference shareholders had not been paid dividend for the period after 30th September 2015. It is 15 only. For the period after 30th September 2015 and interest for the last half year was due to the debenture holders. Prepare accounts to be submitted by the receiver and the liquidator. अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए होमवर्क और क्लास में जो हुए वो सब में हमने लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तो बनाया हुआ है. तो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में अपन सब लोग जानते हैं कि क्या है. रिसीवर क्या कंसेप्ट है क्या एग्जैक्टली रिसीवर का कंसेप्ट आप कंपनी लॉ में सीखोगे बट जहाँ तक मेरे को आइडिया है तुम्हारे सिलेबस की इंटरमीडिएट के रिसीवर का कंसेप्ट इंटर के सिलेबस में कवर्ड नहीं है. जब आप फाइनल में लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का पार्ट सीखोगे लिक्विडेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं ना लॉ में कहाँ सीखा कंपनी लॉ में लिक्विडेशन. तो वो आप फाइनल लेवल पे सीखोगे. तो जब फाइनल में आओगे ना तो तब वहाँ पे रिसीवर का कंसेप्ट आपको आएगा. बट एनीवे अपने को तो अभी यहाँ पे आया है तो अपन डिस्कस करेंगे. डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स आर गिवन सर्टन एक्सक्लूसिव राइट्स अंडर लॉ एंड दे कैन एक्सरसाइज देयर राइट्स इफ दे फील दैट whatever they have contributed to the company in the form of debentures, if their interest is not safeguarded, अगर उनको लगता है कि उनकी उन्होंने जो investment company में किया है in the form of debentures, उनको अगर उसमें कोई doubt आता है तो debenture holders can literally following the procedure of law, appoint receiver on their behalf. They will appoint receiver on their behalf and the receiver appointed by debenture holders will take charge of the assets of the company and he will realize from the assets and he will settle the debenture holders dues. Law ke under ye rights diye gaye debenture holders ko. Abhi is problem mein diya hai yahan pe debentures were secured by a floating charge on all the other assets. Company was unable to meet the payments and therefore the debenture holders appointed a receiver. Company unke payments nahi kar rahi hai interest ke outstanding hai 6 mahine se aur डिबेंचर होल्डर्स को लगता है कि भाई उनके पेमेंट्स नहीं हो पाएंगे आगे जाके और प्रॉब्लम आएगा. तो दे अपॉइंटेड अ रिसीवर. उन्होंने एक रिसीवर अपॉइंट किया और रिसीवर अपॉइंट करके उन्होंने बोला कि भाई हम हमारे ड्यूज सेटल कर लेते हैं. अब जैसे ही उन्होंने रिसीवर अपॉइंट किया दिस वॉज फॉलोड बाय अ रिजोल्यूशन फॉर मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप. ये होने के बाद में कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि कंपनी वाइंड अप कर देते. वैसे भी रिसीवर आएगा डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ पे वो एसेट्स का चार्ज लेके भेज देगा डिबेंचर होल्डर्स के ड्यूज सेटल करेगा. वैसे भी कंपनी में प्रॉब्लम रहेंगे तभी यह सब डिसीजन हो रहा है. बेटर है वी विल गो फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. सो द डिसीजन वॉज टेकन टू वॉलंटरीली लिक्विडेट द कंपनी. वॉलंटरी लिक्विडेशन करना है तो अब लिक्विडेटर भी पिक्चर में आ गया. अब अपने साथ दो अथॉरिटीज है रिसीवर लिक्विडेटर. एक चीज समझनी होगी लिक्विडेटर इज रिस्पॉन्सिबल ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एज अ होल एंड ही इज सपोज टू लिक्विडेट द कंपनी. Receiver is not supposed to liquidate the company. Receiver is supposed to only settle the dues of the debenture holders because debenture holders have appointed the receiver. So receiver ka duty sirf itna hai ki assets ka charge le, assets realize kare, liquidate kare, jo bhi paisa aayega, that amount will be utilized towards settlement of debenture holders dues. I'm repeating again, receiver is not responsible for liquidation of company. Liquidation will be done by liquidator only. Receiver is responsible only and only for settlement of outstanding dues of debenture holders. But nobody can override law. Nobody can override law. Law se upar koi nahi. Right. Receiver bhi raha, to company wind up to ho hi raha hai. रिसीवर को भी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है.
रिसीवर को भी प्रोसीजर जो है, जो लिक्विडेटर ने फॉलो करनी है, वो उसको भी फॉलो करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम में बहुत क्लियरली दिया है, डिबेंचर्स वर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल द अदर एसेट्स। तो डिबेंचर्स के लिए सिक्योरिटी जो दी है वो क्या है? फ्लोटिंग है ना, तो फ्लोटिंग चार्ज से अगर सिक्योर्ड है डिबेंचर्स, तो उनके पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे होने जरूरी है वाइंडिंग अप में। सीक्वेंस अगर याद है पिछले 4-5 लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है, तो क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज के पेमेंट के पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का नंबर आता है ना, तो जब तक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे नहीं होते, डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट हो नहीं सकता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस विथ यू इज, कैन रिसीवर डायरेक्टली सेटल डिबेंचर होल्डर्स ड्यूज? कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, लॉ में बोला है कि लिक्विडेटर ने पहले पेमेंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का करना है ना, उसके बाद में डिबेंचर्स का सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। ये रूल रिसीवर को भी एप्लीकेबल होगा। रिसीवर कैन नॉट टेक अ स्टैंड दैट आई एम अपॉइंटेड बाय डिबेंचर होल्डर, तो आई विल डायरेक्टली मेक द पेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर्स। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। लॉ सेज बिफोर एनी पेमेंट इज मेड टू क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। फिर वो लिक्विडेटर रहो, रिसीवर रहो, या कंपनी खुद रहो। ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो कंपल्सरीली पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का ही पेमेंट करना पड़ेगा, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट होने के बाद डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट होगा। हाँ, डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट हो गया, रिसीवर का रोल खत्म। अब रिसीवर आगे कुछ नहीं करने वाला, फिर उसके आगे का पार्ट लिक्विडेटर को हैंडल करना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है? बट आई एम रिपीटिंग अगेन, रिसीवर डिबेंचर होल्डर्स ने अपॉइंट किया बोल तो वो डायरेक्टली डिबेंचर होल्डर्स का सेटलमेंट करेगा, ऐसे नहीं होता। जो सीक्वेंस प्रॉपरली फॉलो करनी है, जो कंप्लायंसेस है, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, वो लिक्विडेटर के लिए एप्लीकेबल है, वैसे रिसीवर के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अभी अपन जब सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि रिसीवर विल टेक चार्ज ऑफ द एसेट्स, ही विल रियलाइज द एसेट्स, बट ही हैज टू फॉलो द सीक्वेंस। हिज रोल विल बी ओवर वंस द डिबेंचर होल्डर्स आर पेड। डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट होने के बाद उसका रोल कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका कोई रोल नहीं, उसके आगे लिक्विडेटर का स्टेटमेंट बनेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पहले आओ रिसीवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। द रिसीवर फॉर द डिबेंचर होल्डर्स ब्रॉट द लैंड एंड बिल्डिंग टू ऑक्शन एंड रियलाइज्ड 1,50,000। अब मॉर्गेज लोन वॉज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, तो रिसीवर ने लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी 1,50,000 रुपए में, बट वो डायरेक्टली लैंड एंड बिल्डिंग में से पेमेंट नहीं कर सकता डिबेंचर होल्डर्स का। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज गिवन एज सिक्योरिटी अगेंस्ट मॉर्गेज लोन, तो वो मॉर्गेज लोन ही पहले पे होगा, रिसीवर रहो लिक्विडेटर रहो। कितना मॉर्गेज लोन? 80,000 है, और लैंड एंड बिल्डिंग कितना रियलाइज हुआ? 1,50,000 रियलाइज हुआ। लिखो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, ब्रैकेट 1,50,000 माइनस 80,000, कितना आएगा वो? 70,000। ही ऑल्सो टुक चार्ज ऑफ सन्ड्री एसेट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 2,40,000 एंड रियलाइज 2,00,000। जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए दिया है 2,40,000। उसने रियलाइज कितने किए? 2,00,000 रियलाइज किए, तो वही लेने पड़ेंगे अपने को। सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड, कितने? 2,00,000। रिसीवर के कुछ खर्चे हुए हैं, वो सबसे पहले पे होंगे। कितने? 2,00,000। बहुत क्लियरली दिया है प्रॉब्लम में, रिसीवर इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेमुनरेशन। व्हाई विल कंपनी पे द रेमुनरेशन टू रिसीवर? रिसीवर अपॉइंट किसने किया? हाँ, तो वो जाने, डिबेंचर होल्डर जाने, कंपनी नहीं पे करेगा रिसीवर के चार्जेस। हाँ, लिक्विडेटर कंपनी पे करता है, रिसीवर के चार्जेस कंपनी नहीं पे करेगा, लिखा भी है प्रॉब्लम में। अब किसको पेमेंट दे इसके बाद?
डायरेक्टली डिबेंचर होल्डर्स को दे नहीं सकते, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट देगा वो। ब्रैकेट इनकम टैक्स एरियर्स, आप कोई डाउट पूछ सकता है इसमें या आ भी सकता है डाउट माइंड में आपके कि सर असेसमेंट ईयर 12, 13, 13, 14 दिया है सर, या जिनके बुक्स में करेक्शंस हो गया है वो 15, 16, 16, 17 रहेगा सर, जो भी है सर ये तो पुराने है ना सर, हमने क्या डिस्कस किया था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में, आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट ड्यूज पेएबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप शुरू होने के पहले के 12 महीनों में अगर आउटस्टैंडिंग ड्यूज है तो वो पे होते हैं यहाँ पे प्रेफरेंशियल में। तो सर ये तो फिर पुराने ना असेसमेंट ईयर 12, 13, 13, 14 असेसमेंट ईयर कौन से वो जाने दो, असेसमेंट कंक्लूडेड इन जुलाई 2017 लिखा है, असेसमेंट अभी कंक्लूड हुआ तो ये लायबिलिटी अभी डिसाइड हुई ना, तो ये लायबिलिटी आया कब कंपनी का, विद इन 12 मंथ्स के पीरियड में ही आया हुआ है, बिकॉज असेसमेंट्स आर कंक्लूडेड इन जुलाई 2017। प्रॉब्लम पढ़ते हो जिनका ध्यान नहीं था, करेक्शन करो, गलती से कुछ मटेरियल में जुलाई 2015 प्रिंट हुआ है, वो जुलाई 2017 करने को बोला है मैंने। सो असेसमेंट कंक्लूडेड इन जुलाई 2017 बोलते लायबिलिटी इज फाइनलाइज इन जुलाई 2017 विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स ही है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप एंड देयर फोर इट विल बी क्लासिफाइड एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। कितने हो 26,000। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे होने के बाद अब किसकी बारी, क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, सो अब उसमें डिबेंचर होल्डर्स आएंगे। 13% डिबेंचर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज प्रिंसिपल अमाउंट, बोलो 1 lakh, प्रॉब्लम का सेकंड लास्ट लाइन पढ़ो, कितने पीरियड का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1.5 lakh पे 13% 6 महीने के लिए 9,750, 9,750 टोटल 159,750। रिसीवर का काम पूरा हुआ, अब रिसीवर कुछ नहीं करेगा इसके आगे, उसने प्रोसीजर फॉलो की, डिबेंचर होल्डर्स के पहले जो कुछ पेमेंट होने चाहिए थे वो सब पेमेंट्स भी उसने किए, अब उसने डिबेंचर होल्डर्स को भी पेमेंट कर दिया, इसके बाद अब उसका रोल खत्म हो गया। फिर अब उसके पास बचे हुए पैसे वो रख लेता क्या, ऐसे नहीं रख सकते बचे हुए जो पैसे ही विल हैंड इट ओवर टू लिक्विडेटर, सो सरप्लस हैंडेड ओवर टू लिक्विडेटर, सरप्लस बोलो बैलेंस बोलो, एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर विदाउट कैलसी टोटल इज 2,70,000। बताओ कितना आता है, 82,250। अब लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये फॉर्मेट ड्रॉ किया था मेरे, फिर कहाँ गया ये लाइंस, फिर
फिर से लाइन मारने का मौका मिल रहा है. आ जाओ इस लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आ जाओ. आ गए. सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर बोलो 82,250. लिक्विडेटर ने क्या रियलाइज किया है? लिक्विडेटर रियलाइज रुपीज 1 lakh ऑन द सेल ऑफ द बैलेंस ऑफ द सन्ड्री करंट एसेट्स. सन्ड्री करंट एसेट्स रियलाइज. बोलो. वन लाख आया आया. अब पहले के तो पेमेंट्स हो चुके हैं सब, उसके खुद के खर्चे हैं. लेकिन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बताओ. ₹2,800 लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन बोलो 3% ऑन वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज. सो 3% ऑफ जो रिसीवर से आए ना सर प्लस उस पर नहीं देना. उसने खुद ने जितने रियलाइज किए 1 lakh rupees के एसेट्स उस पर बोलो. अब प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स पे हो गए. प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स पे हो गए. क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज पे हो गए. फिर अब कौन? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट है एंड वापिस डायरेक्टर्स ने पर्सनल गारंटी दी हुई है. अपने कोई फर्क पड़ता है क्या उससे? बैंक ओवरड्राफ्ट लिखो रे. ब्रैकेट पेड टू डायरेक्टर्स कितने? 30,000 है. और क्या है? क्रेडिटर्स फॉर ट्रेड वो कितने हैं? 32. और कुछ है? आउटर कॉलम 62,000 आया. इसके बाद किसकी बारी? इलेवन परसेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. इलेवन परसेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. नॉमिनल वैल्यू वन लाख.
डिविडेंट इन एरियर्स, कितने दिनों का एरियर्स में? 30 सितंबर 2015 के बाद डिविडेंड पे नहीं हुआ है, 30 सितंबर 2015। अभी अपन 30 सितंबर 2017 में है, तो कितने हो गए? 2 साल। तो 2 साल का पे करना पड़ेगा अपने को। 1 लाख पे 11%, 1 साल के लिए 11,000 होता है, 2 साल के लिए होगा 22,000। नाउ एट दिस स्टेज कैलकुलेट सरप्लस और डेफिशिएंसी, देखो क्या है। क्या है डेफिशिएंसी आ रहा? कोई बात नहीं, हमने उस दिन सॉल्व किया था। वर्किंग नोट, कॉल ऑन कॉन्ट्रीब्यूटरीज, असर्टेनमेंट ऑफ कॉल ऑन कॉन्ट्रीब्यूटरीज, राइट हैंड साइड रुपीज, सरप्लस अवेलेबल डेफिशिएंसी है ना? हाँ। कितना? 7550। नेगेटिव ब्रैकेट में लिखना डेफिशिएंसी। कर्नाटक आया क्या? किसके ख्यालों में खोया है आज? ध्यान नहीं है, कैलसी का यूज कर। आया 7650? 7550 है, 7650 नहीं है। हाँ बोल रहा है। या तो नींद आ रही है या तो किसी के ख्यालों में खोया है, दोनों में से एक है। अच्छा बच्चा है, कर्नाटक रहे अपना, कर्नाटक। किधर है कबीराज? कबीरा ग्रुप कहाँ बैठा है आज? इधर है। कबीरा ग्रुप की बात किया मैंने। एड नोशनल कॉल एट द रेट ऑफ 5,000। बहुत ही चिंदी अमाउंट आने वाला है। कितना आ रहा? अरे अमाउंट कितना आ रहा? 12,500। आयुष ऐसे बर्थडे हुआ तो कुछ भी नहीं बोलने का। 12,500 आता ना, मैं पूछ क्या रहा हूं, तू बोल क्या रहा है? चारू बराबर कैलकुलेशन करा। हाँ कितना आया? 4950।
Therefore, four nine five zero divided by total number of shares will be 15,000 shares. Bolo. 0.33 na. ढाई रुपए का कॉल करके 0.33 का रिफंड दे रहे हो, उसके बजाय सीधा सीधा 2.17 का ही कॉल करो एक कैटेगरी पे, और जो फुल्ली पेड है उनको तो 0.33 का रिफंड देना है अपने को. समझ में आ रहा है? अपना हमेशा वाला टेबल बनाने का टेबल, कोई कंटाला नहीं, कुछ नहीं, नो कंटाला एट ऑल. ए बिजू, बिजू तेरे बाजू वालों को थोड़ा शांत करना. तू सिंसियरली इतना लिख रहा है, ये सिर्फ टाइम पास कर रही तीनों लड़कियां. देख तो जिनल बाय चांस ये टेबल याद आता क्या तेरे को? देख, कभी हम किसी जमाने में बनाया करते थे, देख तो. अभी नोटबुक ओपन की उसने मैंने बोलने के बाद, देखा? बता वाला क्या लिखा तूने? हमारे बेचारे बीजू को तकलीफ पहुंच दो तुम लोग. बेचारा तो है वो, उसमें कोई डाउट नहीं. तो ठीक है ना, सेल्फी लेता तो क्या फर्क पड़ता है? तू नहीं लेता क्या सेल्फी? पेप्सी रेडी है फॉर्मेट? चलो बेटा, वी आर सॉल्विंग ऑलमोस्ट लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप. आंसर्स दो. पेड ऑफ वैल्यू बोलो. 10 7.5. व्हाट इज द नोशनल कॉल? नील 2.5. डिस्ट्रीब्यूशन पर शेयर 0.33. नेट कॉल पर शेयर नील. नेट डिस्ट्रीब्यूशन पर शेयर 0.33. सेकेंड केस में नेट कॉल होगा 2.17 एंड रिफंड नील आएगा. फर्स्ट केस में 10 रुपये पेड ऑफ वैल्यू थी, 0.33 का रिफंड दिया तो लॉस पर शेयर 9.67. सेकेंड केस में 7.5 पेड ऑफ वैल्यू था, 2.17 का और कॉल कर रहे तो 9.67 रिफंड कुछ नहीं हो रहा है तो लॉस हो गया 9.67 का. आया क्या? आया क्या? रिसीट साइड में आओ. कॉल ऑन कॉल
कॉन्ट्रीब्यूटरीज, कॉल ऑन कॉन्ट्रीब्यूटरीज, फाइव थाउजेंड शेयर्स एट द रेट ऑफ 2.17, बोलो 10,850 आया सबका। और रिफंड कितने शेयर्स पे देना है अपने को? इक्विटी शेयर होल्डर्स ब्रैकेट कितने शेयर्स पे देना है रिफंड? 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 0.33, बोलो 3,300 ना टैली होना चाहिए। $193 सबका आया। Everybody got it? समझा सबको? एक छोटा सा सम है 10th नंबर। एक्चुअली कल ही होमवर्क सोचा था लेकिन ऑलरेडी दो प्रॉब्लम होमवर्क थे इसलिए दिया नहीं। 10 मिनट का सॉल्यूशन अभी सॉल्व कर लेते क्लास में ही अपन ये देता हूँ। आज का होमवर्क अलग है, दूंगा वो भी। द बैलेंस शीट ऑफ बंटी लिमिटेड एज ऑन 31st December 2017 वॉज एज फॉलोज। शेयर कैपिटल 8,006% प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, बैंक लोन 8% डिबेंचर्स, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, अदर फिक्स्ड असेट्स, स्टॉक, डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन दैट डेट, प्रिपेयर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन अमाउंटेड टू 3,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। बैंक लोन वॉज सिक्योर्ड बाय प्लेज ऑफ स्टॉक। डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन आर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड असेट्स वर रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू एंड करंट असेट्स एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। दैट्स इट। चलो लिखो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। Name of the company, बंटी लिमिटेड,
हाफ पेज इज इनफ. Receipts rupees, payments rupees. Bank loan was secured by pledge of stock. अभी problem में लिखा हुआ है, ध्यान दो. Fourth adjustment, fixed assets were realized at book value, current assets at 80% of book value. अभी stock security बोल के दिया हुआ है, तो मेरे को surplus from security लेना पड़ेगा. What is the book value of the stock given in the problem? 5,25,000. 80% of that will be realized. 4,20,000. 4,20,000 realize होगा. Loan secured है, कितना है loan? 1,00,000 है, तो surplus from security लेंगे अपन. लिखो ना, surplus from securities and next line we will show the calculation. कैसे दिखाना है स्क्रीन पे देखो. माइनस बैंक लोन 1,00,000, करेक्ट है? बोलो. 3,20,000 स्टॉक के 80%, उसके बाद एसेट्स रियलाइज्ड. बोलो क्या क्या एसेट्स है अपने पास. लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट तो बुक वैल्यू पे रियलाइज हुए ना. नथिंग इज मन से, इट्स प्रॉब्लम से. कितना कितना हुआ है वो? 25,000 में लैंड एंड बिल्डिंग, वाह. अदर फिक्स्ड एसेट्स, टू लैक्स. स्टॉक तो ले लिया सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज में. डेटर्स, डेटर्स करंट एसेट्स है. करंट एसेट्स 80% ऑफ बुक वैल्यू है. इफ यू वॉन्ट यू मे राइट इन ब्रैकेट 80% ऑफ बुक वैल्यू डेटर्स. तो 80% ऑफ 1,00,000. बोलो बोलो रे. आउटर कॉलम 3,05,000. यहां तक हो गया सबका. गो ऑन मेकिंग द पेमेंट. सबसे पहले
liquidation expenses. Tell me, what is the amount of liquidation expenses? 3,000. Liquidator's remuneration. कितना है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है कुछ? हाँ, पक्का? 8% डिवेंचर्स, 8% बाय फ्लोटिंग चार्ज. Principal amount 1 lakh. Interest outstanding 8,000 है. टोटल 1,08,000. अब इसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोलो कितने. फाइव लैक्स. Then 6% preference shareholders. रुक जाओ यहीं पे आके. अब पैसे कितने देखो अपने पास. क्रेडिटर्स का पेमेंट होने के बाद पैसे कितने अपने पास? 4,000 ही है. अच्छा, अब एक बात है कि 4,000 रुपये बचे अपने पास एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने हैं? 80,000 के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है. डिविडेंड इन एरियस प्रॉब्लम में दिया नहीं, वो रहता भी तो क्या फर्क पड़ता. क्यों ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं, रहता भी तो क्या फर्क पड़ता. नीचे इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी कैपिटल 12,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. फुल्ली पेड है वो, पूरे के पूरे शेयर्स फुल्ली पेड है, तो वैसे भी कॉल नहीं हो सकता. एनी वे यू कैन नॉट मेक द कॉल. कॉल तो होगा ही नहीं. कॉल होगा नहीं बोलते, इस स्टेज पे जहां आंसर खत्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा. सरप्लस जितना है वो देते आओ सीक्वेंस में, जहां खत्म हो गया वो हो गया. तो मेरे पास 4,000 रुपए बचे हैं, फिनिश्ड. उत्तर सेटलमेंट होगा, अब किसको दूं? तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में जाएगा. कितना? 4,000 रुपये. 4,000 बचे हैं ना. एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर, सोल्यूशन इज ओवर. कुछ नहीं मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का लॉस हो रहा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स तो उसकी बात है. 6,25,000 का टोटल जमल. समझा क्या किया? ध्यान में आया? आई वॉन्ट यस फ्रॉम एवरीवन. जस्ट कंफर्म करो, 15th नंबर तक सब प्रॉब्लम हो गए? चेक कर लो एक बार. अप टू 15th ऑल प्रॉब्लम्स आर ओवर. अप टू 15th ऑल प्रॉब्लम्स आर ओवर. आफ्टर दिस 16th प्रॉब्लम. 16th प्रॉब्लम यूनिक प्रॉब्लम है, सिंपल ही है. बट इसमें इक्विटी शेयर्स के दो कैटेगरीज दिए, बट दोनों के फेस वैल्यूज अलग अलग है. फेस वैल्यू अलग अलग है.
अभी तक के प्रॉब्लम में क्या था, फेस वैल्यू सेम थे लेकिन पेड ऑफ वैल्यूज अलग अलग थे। अब इस प्रॉब्लम में फेस वैल्यूज ही अलग अलग है। तो उस दिन जैसे डाउट पूछा था कि सर फेस वैल्यू अलग अलग रहेंगे तो क्या करना, इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। जैसे कुछ शेयर 100 रुपए के, कुछ शेयर 50 रुपए के, तो इधर 50 रुपए के शेयर 100 रुपए में कन्वर्ट करो, नहीं तो 100 रुपए के शेयर 50 रुपए में कन्वर्ट करो और आंसर ढूंढना पड़ेगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मेरे को जहां तक याद आ रहा नवंबर 2004 में कुछ तो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, नवंबर 2004। आई जस्ट स्टार्टेड टीचिंग और शायद मेरा पहला बैच ही था और उस बैच के बाद के अटेम्प्ट में कुछ तो क्वेश्चन आया था। पोजिशन ऑफ वैल्यूलेस लिमिटेड ऑन इट्स लिक्विडेशन इज एज अंडर, इशूड एंड पेड अप कैपिटल 3011% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इज फुल्ली पेड, 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 इज फुल्ली पेड। इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 इज रुपीज 30 पर शेयर पेड। बोलते हो जो 100 रुपए के शेयर्स है वो फुल्ली पेड है और जो 50 रुपए के शेयर्स है फेस वैल्यू 50 रुपए वाले वो पार्टली पेड है, 30 रुपए छे। कॉल सिनेरियोस आर 10,000, कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस 5,000, प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन एरियस फॉर 1 ईयर, अमाउंट लेफ्ट विद द लिक्विडेटर आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल लाइबिलिटीज इज 4,13,000। मतलब अपने को आउटसाइड लाइबिलिटीज का सेटलमेंट करना ही नहीं है, आउटसाइड लाइबिलिटीज सेटल होने के बाद 4,13,000 रुपए बचे डायरेक्टली दिया है, तो आर सोल्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम 4,13,000। मतलब अपने को सिर्फ शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स इन प्रायोरिटी टू रिटर्न ऑफ इक्विटी कैपिटल, ये तो करते ही है वैसे भी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। पहले एक काम करेंगे अपन, रफ में वर्किंग नोट में कितना कॉल होना चाहिए, क्या करना है ये ढूंढ लेते हैं। इक्विवेलेंट नंबर वगैरह करना पड़ेगा ना। लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना एक फॉर्मेलिटी है, आप जानते हो कि उसमें क्या है, फिगर सिर्फ डालने वो हो जाएगा, बट वर्किंग बहुत जरूरी है। लिखो असर्टेनमेंट ऑफ कॉल ऑन कॉन्ट्रीब्यूटरीज राइट हैंड साइड रुपीज, अमाउंट लेफ्ट विथ लिक्विडेटर आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल लाइबिलिटीज। फोर लैख 13,000। प्रॉब्लम में ना कॉल सिनेरियोस एंड कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस दिए, ये कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए, किससे आए हैं, किसको देने हैं, अभी ऐसा क्लैरिटी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है काम करने का। कॉल सिनेरियोस रियलाइज हुए बोल के दिखाना, कॉल्स इन एडवांस पे कर दिया ऐसे दिखाओ। कॉल सिनेरियोस है, प्रॉब्लम में बोला थोड़ी कि रियलाइज नहीं हुए, तो हम अज्यूम करेंगे कि कॉल सिनेरियोस रियलाइज हो गए एंड कॉल्स इन एडवांस जिन्होंने दिए थे उनको वापस दे दिए। वैसे भी सरप्लस ढूंढने के लिए वो लेस तो करने ही पड़ेंगे ना। एड कॉल्स इन एरियर्स रियलाइज्ड
सब टोटल 4,23,000 लेस 5,000 कितने 5,000 कर सकते हैं ना, लिखा है ना आउटसाइड लाइबिलिटीज पे करने के बाद 4,13,000 है। आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं होती कॉल्स इन एडवांस, इनसाइडर्स लाइबिलिटी हो गया, शेयर होल्डर्स ने दिया हुआ है। बैलेंस बताओ, फोर लैख 18,000, 4,18,000। अब लेस अमाउंट पेबल टू 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, नॉमिनल वैल्यू थ्री लैक्स एंड डिविडेंड इन एरियर्स 30,000, 11% है ना, सॉरी थ्री लैख 33,000। देयर फोर बैलेंस अवेलेबल फॉर, बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बताओ, एटी। यू टेल मी वन थिंग, कैन वी डिस्ट्रीब्यूट दिस 85,000 इक्वली, सबको इक्वली दे दे, 3,000 और 1,000, 4,000 इक्विटी शेयर्स है, दे दो सबको इक्वली। मैं नहीं दे सकता इक्वली सबको, दो रीजन इक्वली क्यों नहीं दे सकता, दो रीजन, एक नहीं दो रीजन। रीजन नंबर वन, दे आर हैविंग डिफरेंट फेस वैल्यूज, फेस वैल्यूज ही अलग है, डिनोमिनेशन ऑफ द शेयर इट सेल्फ इज डिफरेंट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सम शेयर आर फुल्ली पेड, सम शेयर आर पार्टली पेड, हाउ कैन वी मेक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले तो मेरे को सबको फुल्ली पेड बनाना पड़ेगा, अपना हमेशा का वर्किंग नोशनल कॉल कंसिडर करना पड़ेगा, एड नोशनल कॉल एट द रेट ऑफ 20 ऑन 1,000 शेयर्स ऑफ 50 ईच, और 1,000 शेयर्स भी लिखा तो 50 रुपए के छे, वो कितने आते 20,000। Therefore, total available surplus 1,05,000. 1,05,000.
आया आया देन अब ये 1,05,000 इक्वली दे दूं, अभी भी मैं इक्वली नहीं दे सकता, इक्विवेलेंट नंबर ढूंढना पड़ेगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू, मैं जैसे स्क्रीन पे लिख रहा हूं वैसे लिखना, थ्री थाउजेंड शेयर्स ऑफ 100 ईच प्लस 1,000 शेयर्स ऑफ 100 इज इक्वल टू। कैल्सियोर काय करती है कैल्सियोर काय करना, इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो 100 रुपए के 50 रुपए में या 50 रुपए के 100 रुपए में। आप मेरे को बताओ 3,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच इज इक्विवेलेंट टू 6,000 शेयर्स ऑफ, लिखो ना वैसे, प्लस 50 रुपए के 7,000 शेयर्स हो गए इक्विवेलेंट। अरे आया क्या, नाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली, अब ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर शेयर ऑफ ₹50 ईच, डिस्ट्रीब्यूशन पर शेयर ऑफ ₹50 ईच इज इक्वल टू 1,05,000 डिवाइडेड बाय 7,000 शेयर से डिवाइड करूं, बोलो। ₹15 पर शेयर आ रहा है, बट ये कितने रुपए के शेयर्स पे, 50 रुपए के शेयर्स पे 15 रुपए का रिफंड दे रहे, तो 100 रुपए के शेयर्स पे 30 रुपए का जाएगा। देयरफॉर इज इक्वल टू ₹30, 50 रुपए पे अगर 15 रुपए का रिफंड दे रहे हैं तो 100 रुपए के शेयर पे 30 रुपए का देंगे, बराबर बराबर। नहीं नहीं यहाँ कंप्लीट नहीं होता अभी भी, ये 50 रुपए के शेयर पे 15 का जो रिफंड दे रहे हैं नोशनल कॉल के बाद है वो, अरे उनके ऊपर नोशनल कॉल हुआ है ना, कितना है नोशनल कॉल 20 रुपीज का, 50 रुपए के शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो 50 रुपए के शेयर्स पे तुम 15 रुपए का रिफंड दे रहे हो, बट 15 रुपए का रिफंड कब दे रहे हो, 20 रुपए का कॉल कलेक्ट करने के बाद, तो 20 रुपए लेके 15 रुपए देना है तो नेट कॉल होगा ना। देयरफॉर नेट कॉल पर शेयर ऑफ रुपीज 50 ईच इज इक्वल टू ₹20 माइनस ₹15
इज इक्वल टू रुपीज 5। समझा? नहीं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं थी ये, एक बार मालूम रहे कि इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट करके करना है। आया सबका? और इस तरीके से सिस्टमेटिकली अगर आंसर लिखोगे ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फुल मार्क्स मिलने चाहिए। अब अपना लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डेट वेट कुछ नहीं दिए, एज ऑन डैश नेम ऑफ द कंपनी, वैल्यूलेस लिमिटेड, लिक्विडेट झाली वैल्यूलेस, हाफ पेज, रेडी? सरप्लस अवेलेबल इज 4,13,000, 4,13,000 का सरप्लस था, बराबर? वो अपना वो अपन जो एडजस्टमेंट किए कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, वो कर दो कंप्लीट। कॉल सिनेरियस रियलाइज्ड, कॉल सिनेरियस 10,000 है एंड कॉल्स इन एडवांस 5,000।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नॉमिनल वैल्यू डिविडेंड इन एरियर्स 33,000, सो इट इज 3,33,000। कॉल ऑन कॉन्ट्रीब्यूटरीज, कितने शेयर्स पे कॉल हुआ है, सब हमने कैलकुलेट करके रखा है। वन थाउजेंड, सो 1,000 शेयर्स पे कितना कॉल किया हम लोगों ने, 5,000। एंड पेमेंट भी किया इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो फुल्ली पेड थे ना, 100 रुपए वाले, बताओ कितने शेयर्स पे रिफंड है, और 100 रुपए के ना, तो एट द रेट ऑफ 30 ना, बोलो टोटल बताओ। फोर लैक्स 28,000, आया सबका, आया समझ में, आया सबको। विद दिस वी फिनिश विद लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कंप्लीट हो गया, जितने भी प्रॉब्लम थे सब कंप्लीट हो गए। पहले हम लोगों ने इस टॉपिक में लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाया, नहीं नहीं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी बनाया पहले, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एंड आफ्टर वी कंप्लीटेड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वी अंडरस्टूड लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और एक कंसेप्ट है इस टॉपिक में जो कवर्ड है सिलेबस में, और जिसके ऊपर के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं और एग्जाम में रेगुलरली आते भी है, वो कंसेप्ट अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। हेडिंग लिखो,
लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज, लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज। लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ध्यान दो सब लोग। अभी ये जो लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज का कंसेप्ट है, पहली बार जब सुनते हैं ना दिमाग में बैठता ही नहीं, नहीं जल्दी समझ में आता। कहाँ पे हुआ तुमको लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज? लॉ में हो गया था सा सिलेबस में लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज? मेरे को जहां तक पता है लिक्विडेशन का पार्ट है नहीं कवर सिलेबस में लॉ में। अच्छा एक्सप्लेनेशन था उसका, ओके ओके। ध्यान दो, मैं जैसे बता रहा हूँ कि पहली बार जब ये डिस्कस करते हैं ना तो जल्दी दिमाग में कंसेप्ट बैठता नहीं है, है बहुत सिंपल और प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे तो एकदम बेसिक प्रॉब्लम्स है और अगर एग्जाम में आ गया तो फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम है। क्या रहते हैं लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज? ध्यान दो, लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स में लिक्विडेटर एसेट्स रियलाइज करते जाता है और उसमें से लाइबिलिटीज का सेटलमेंट करते जाता है। एंड में जाके अगर ऐसी सिचुएशन आई कि कॉल ऑन कॉन्ट्रीब्यूटरीज करना पड़ा, कॉल ऑन कॉन्ट्रीब्यूटरीज तो शेयर होल्डर्स पे कॉल करने की जरूरत अगर पड़ी तो पार्टली पेड शेयर्स है, पार्टली पेड, ठीक है, तो पार्टली पेड शेयर्स पे तो कंपनी कॉल कर ही सकता है, कंपनी के पास लॉफुल राइट है। शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड बट इट इज देयर, लाइबिलिटी नहीं है ऐसा तो है नहीं ना, इट इज लिमिटेड एंड इट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू, पेड अपने रे अनपेड वैल्यू, इट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑन शेयर सेल्ड बाय देम। तो जितना अनपेड वैल्यू है उतना लाइबिलिटी तो है ही ना। तो अगर समझो मान लो 100 या 10 रुपए का शेयर है, इक्विटी शेयर 10 रुपए का, 6 रुपीज पेड है, 6 रुपीज पेड, तो 4 रुपए का कॉल तो कंपनी कर ही सकता है। कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम अगर डेफिशिएंसी आ रहा है तो लिक्विडेटर हैज अ लॉफुल राइट टू कॉल 4 रुपीज पर शेयर। 4 रुपए का लायबिलिटी तो है, 10 रुपए का शेयर है, तुमने 6 रुपए दिए हुए तो 4 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, राइट? वो कॉल तो हो ही सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। अब मान लो डेफिशिएंसी आ रहा है और क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं हो पा रहा, क्रेडिटर्स कुड नॉट बी पेड इन फुल, क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स के स्टेज पे अगर डेफिशिएंसी आ रहा है, क्रेडिटर्स कोई पेमेंट नहीं हो पा रहा है, फिर तो ये इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन आ जाएगी। बट इंसॉल्वेंसी कब? अगर इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप है तो। अब इक्विटी शेयर्स अगर पार्टली पेड है तो वो पैसे लेके क्रेडिटर्स का सेटलमेंट हो ही सकता है ना, बिल्कुल। अब जो शेयर्स पार्टली पेड है, 4 रुपए अनपेड वैल्यू है उनकी, 10 रुपए पे 6 रुपए ही पेड थे, तो वो 4 रुपए का कॉल कंपनी करेगा, बोल तो लिक्विडेटर करेगा। हो सकता है जब कॉल किया जाएगा तो जो शेयर होल्डर है उससे वो पैसा रिकवर नहीं हुआ, उससे वो पैसा रिकवर नहीं हुआ, मे बी दैट शेयर होल्डर इज इंसॉल्वेंट, उसके पास ही पैसा नहीं हो शेयर होल्डर के पास, तो उससे वो पैसा रिकवर नहीं हो रहा है अभी जो शेयर होल्डर है उससे। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या करने का, तो और एक ऑप्शन कंपनी के पास अवेलेबल है वो पैसा रिकवर करने का, वो ऑप्शन अपन अभी बात करने वाले हैं। तो उनको बोलते हैं लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज। अब ये लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज कौन रहते हैं, अच्छे से सुनो समझो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहली बार जब सुनते हैं तो दिमाग में जाता नहीं कॉन्सेप्ट, मैं समझाता हूँ आपको क्या है। लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज आर दोज एक्स शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, एक्स यू अंडरस्टैंड, हाँ वेरी वेल। लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज आर दोज एक्स शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी हु ट्रांसफर्ड देयर शेयर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज आर दोज शेयर होल्डर्स, दोज एक्स शेयर होल्डर्स रादर, दोज पास्ट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी हु ट्रांसफर्ड देयर शेयर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप ऑर्डर एक दिन पास होता है, राइट?
वो लिक्विडेशन का डेट माना जाता है, अपने प्रॉब्लम में सब प्रॉब्लम में था वाइंडिंग अप का डेट। तो जिस दिन वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हुआ या जिस दिन वाइंडिंग अप की डेट डिसाइड हुई, उसके पहले के 12 महीनों में जिन्होंने अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर दिए, बोल तो नो मोर दे आर शेयर होल्डर्स एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ दोज मेनी शेयर्स जितने उन्होंने ट्रांसफर किए, सो दे आर नॉट शेयर होल्डर्स। इफ दे आर नॉट शेयर होल्डर्स देन within a period of 12 months they were shareholders, but after that they transferred, so now at present they are not shareholders of the company to the extent of those shares, they are placed in list B contributors, wo list B contributor mein aa jate hain. Kya karenge sir wo aake list B contributors mein? Unhone jinko shares transfer kiye un logon ko call kiya jayega, partly paid share hai to ki pay karo, बोल तो अभी जो शेयर होल्डर्स है उनको कॉल किया जाएगा बेसिकली, उन्होंने पैसे दे दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर जिनको शेयर्स ट्रांसफर हुए थे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो पैसे नहीं दे पाते वो शेयर्स पे के, डोंट बी सरप्राइज्ड, ऐसे कैसे क्या लॉ की प्रोविजन है, मैं बोल रहा हूं बोल के नहीं, लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी वालों को बोला जाएगा कि आप पे करो, और करना पड़ता है पे, लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज दे हैव टू मेक द पेमेंट, क्यों तो उन्होंने जिनको शेयर ट्रांसफर किए वो पे नहीं कर रहे, उन्होंने भी नहीं किए तो इंसॉल्वेंसी है ना, ने तो नहीं किए बोल तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए तो नहीं दिए तो चलता भाई, नहीं तो फिर कोर्ट निकालेगा पैसा तुम्हारे प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के। तो लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज में जो कवर हो रहे हैं ना उनकी लाइबिलिटी आ सकती है लिक्विडेशन में, उनकी लाइबिलिटी लिक्विडेशन में आ सकती है। अब थोड़ा एग्जाम्पल के साथ चलते अपन, एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स है, नहीं नहीं मेरे पास कार लिमिटेड एक कंपनी है उसके शेयर्स है, ओके कार लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, कार लिमिटेड के शेयर्स मेरे पास है, एंड कार लिमिटेड का अभी ऐसे डिसीजन हुआ है कि November 28, 2018 इज अग्रीड टू बी डेट ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी ने जब पब्लिक इशू किया था तो कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स वगैरह अच्छे लगे थे, तो मैंने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और मैं इन्वेस्टर था उसमें, ओके आई वाज इन्वेस्टर इन द कंपनी, ठीक है मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टर था मैं, बट फिर मेरे को ध्यान में आया कि यार कंपनी का कुछ ऐसा ये नहीं और मेरे को बेसिकली पैसों की जरूरत थी, तो मैं मेरे इन्वेस्टमेंट्स बेचने का डिसाइड किया, एंड लेट्स से 14th November को चिल्ड्रंस डे को मैंने मेरे पास जो शेयर्स थे वो रोहित को बेच दिए, डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो आप मेरे को बताओ, नाउ यू टेल मी वन थिंग, 14 November के पहले ओनर मैं था, 14 November के बाद रोहित हो गया ओनर, तो अभी जब लिक्विडेशन हो रहा है तो ओनर कौन है? रोहित है। अब जो शेयर्स मैंने ट्रांसफर किए थे ना उनकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी, पेड अप वैल्यू 6 रुपए थी, तो 4 रुपए का लाइबिलिटी है ना उसके ऊपर, कंपनी कैन एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेक अ कॉल ऑफ 4 रुपीज, कंपनी के पास लॉफुल राइट है, कंपनी किसको कॉल करेगा? रोहित को कॉल करेगा। हाँ यही चीज समझो, कंपनी किसको कॉल करेगा? रोहित को कॉल करेगा। रोहित अगर पैसा दे देता तो प्रॉब्लम नहीं, बट चलो अंडरस्टैंडिंग के लिए रोहित इंसॉल्वेंट नहीं करते, रोहित एब्सकॉन्डिंग है, एब्सकॉन्डिंग बोलता फरार, राइट भाग गया है, इंडिया छोड़ के भाग गया है, कहीं गया हो, राइट हाँ नीरव मोदी
विजय माल्या की राह पे चल पड़ा और कहीं निकल गया वो, राइट। सो रोहित चला गया, अभी रोहित तो पैसा दे नहीं रहा, कंपनी है तो लॉफुल राइट टू कलेक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम मी, कंपनी मेरे से वो पैसा रिकवर करेगा, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि ये जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है दिस शुड हैपन विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। तो डेट ऑफ वाइंडिंग अप क्या है? 28 नवंबर, और ट्रांसफर कब हुए शेयर्स? 14 नवंबर। तो 12 महीने के अंदर है, ये एग्जांपल में एक महीने के अंदर आ गया, 12 महीने का टाइम दिया हुआ है, राइट। 12 महीने के अंदर अगर तुम्हारे शेयर्स ट्रांसफर हुए हुए है तो आप लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी में आ सकते हो। बट फिर उसके आगे जाके मेरा डाउट है, मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है लॉ में लिखा है मेरी लाइबिलिटी आएगी, रोहित ने पे नहीं किया तो, पहली बात रोहित ने पे कर दिया तो इशू नहीं है, भूल जाओ, फिर तो फिर मेरा कोई रोल ही नहीं, क्यों? तो रोहित ने पे कर दिया वो शेयर्स पे 4 रुपए, या मैंने जो शेयर्स रोहित को ट्रांसफर किए थे वो फुल्ली पेड थे, फिर तो सवाल ही नहीं आता, ना मेरी लाइबिलिटी ना रोहित की लाइबिलिटी, शेयर्स फुल्ली पेड थे। इशू कहां है? पार्टली पेड शेयर ट्रांसफर हुए हुए, पार्टली पेड शेयर ट्रांसफर हुए, रोहित पैसा नहीं दे रहा तो कंपनी मेरे पास आने वाला है, ठीक है। मैं बोलूंगा कि ठीक है लॉ में लिखा है मेरी लाइबिलिटी है, आई अग्री, नो प्रॉब्लम, बट मैं कंपनी को बोलूंगा मैं जिस दिन तक ओनर था, कब तक था मैं? 14 नवंबर, उस दिन तक के लाइबिलिटीज के लिए ही मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। आप लॉजिकली समझो कंसेप्ट को, मैं जिस दिन तक ओनर था उस दिन तक के लाइबिलिटीज के लिए ही मैं रिस्पॉन्सिबल पकड़ सकता हूं। लॉ में तुम लिख दोगे कि नहीं नहीं उसके आगे के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनली, फिर उसके में कोर्ट में अगर केस गया तो वो लॉ भी कैंसिल करना पड़ेगा या वो प्रोविजन डिलीट करनी पड़ेगी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अगेंस्ट में भाई। मैं आई अग्री दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, बट आई एम रिस्पॉन्सिबल ओनली टिल द डेट आई वॉज ओनर। अरे उसके आगे कंपनी ने कुछ और ट्रांजेक्शन किए, उसमें मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूं? रोहित जिस पीरियड के लिए ओनर है उस पीरियड के लाइबिलिटीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। हाँ, मैं जिस दिन तक ओनर था उस दिन तक का तुम बोलो कि पेमेंट करना पड़ेगा, आई विल एक्सेप्ट इट। उसके आगे का मैं ट्रांसफर, उसके मेरे ट्रांसफर होने के बाद शेयर्स उसके आगे के पीरियड का मैं लाइबिलिटी क्यों बेयर करूंगा? आपको ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? तो मैं कब तक के लाइबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ? जिस दिन शेयर्स ट्रांसफर हुए उस दिन तक के जो अनपेड लाइबिलिटीज है उसी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एज ऑन 14 नवंबर, एज ऑन 14 नवंबर इज लेट्स से रुपीज 3 पर शेयर, पर शेयर कैलकुलेशन में 3 रुपए आ रहे हो, अमाउंट तो ज्यादा रहेगी रे, पर शेयर जितने शेयर ट्रांसफर किए उस बेसिस पे पर शेयर 3 रुपए आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स बच रहे पर शेयर कैलकुलेशन किया तो। यहां पे अनपेड वैल्यू कितनी है? 4 रुपीज पर शेयर, 4 रुपए पर शेयर अनपेड है, एंड आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर 3 रुपए पर शेयर है। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर 3 रुपीज, मैं 3 रुपए के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे भले ही अनपेड अमाउंट 4 रुपए रहेगी, मैं 4 रुपए नहीं दूंगा, क्योंकि तो जिस दिन मेरे शेयर्स ट्रांसफर हुए उस दिन के आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स जो रह रहे वो कितने हैं? 3 रुपए पर शेयर हो रहा है वो कैलकुलेशन, तो आई विल बी पेइंग ओनली 3 रुपीज पर शेयर, आई वोंट पे मोर। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? छोटा सा चेंज करता हूँ एग्जाम्पल में, मैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अनपेड वैल्यू भी 4 रुपए एंड आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स भी 4 है, फिर तो 4 रुपए देने ही पड़ेंगे पर शेयर। पांच रुपए पर शेयर आ रहे आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स, नाउ कंपनी कैन नॉट से 5 रुपए दो, तुम जब तक ओनर थे तब तक के 5 रुपए आउटस्टैंडिंग है, भाई लिमिटेड लाइबिलिटी मेरी, कंपनी बनाई गई कुछ थी, माय लाइबिलिटी इज लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू, तो उतना ही मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। ध्यान में आ रहा? समझ में आ रहा? पक्का? ये अपने को लिखना है सब, और फिर उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, लिखो।
छोटा सा एक पैराग्राफ लिखते हैं। गट्टानी जी आपकी नींद हो गई, पहला आधा घंटा तो फुल सोए थे आप, और आपकी सुहानी यादों को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया सर। अभी लिखवा लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज आर दोज एक्स शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर दोज एक्स शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी who have transferred their shares within a period of 12 months before the commencement of winding up full stop. The liability of list B contributories will arise only if the shares transferred by them are partly paid shares and the list A contributories and list A contributories bracket transferee shareholders bol to kon re current shareholders transferee shareholders bol to rohit apne example mein transferee shareholders bracket wo list A mein aate hain bol to current shareholders list A mein aayenge aur jinhone pichle 12 mahine mein apne shares transfer kiye wo list B mein bracket closed transferee shareholders do not pay the amount due on transferred shares मतलब जो शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं उसके ऊपर जो अमाउंट ड्यू है वो अगर लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरीज दे दे तो फिर लिस्ट बी वालों का लायबिलिटी
नहीं आएगा, उनका लायबिलिटी तब आएगा जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है वो पेमेंट नहीं कर रहे। रोहित को मैंने शेयर ट्रांसफर किए, 10 रुपए फेस वैल्यू थी, 6 रुपए उसकी पेड अप वैल्यू थी, तो 4 रुपए का कॉल हो सकता ना। 4 रुपए का कॉल कंपनी ने किया, रोहित पैसा नहीं दे रहा तो वो मेरे तक आएगा। रोहित ने अगर पेमेंट दे दिया तो फिर मेरी लाइबिलिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट, द लाइबिलिटी ऑफ लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूट इज, द लाइबिलिटी ऑफ लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूट इज is list of the following two, is list of the following two, A A unpaid value या unpaid amount, unpaid amount on shares transferred B, B creditors remaining unpaid as of the date of transfer of shares, as of the date of transfer of shares, जिस दिन शेयर्स ट्रांसफर हुए थे उस दिन के कितने क्रेडिटर्स अभी भी बाकी है देना, उतने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। उस दिन तक के क्रेडिटर्स पे हो गए सब, आगे के क्रेडिटर्स है, आगे के क्रेडिटर्स के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। मैं जब तक ओनर था तब तक के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। 14 नवंबर तक मैं ओनर था ना, तो 14 नवंबर तक के क्रेडिटर्स के लिए, तब तक के लाइबिलिटीज के लिए मैं हूं रिस्पॉन्सिबल। उसके आगे के पीरियड के लिए मैं ओनर ही नहीं था तो मैं कहां से बेयर करूंगा वो। गॉट इट, गॉट इट, पक्का। अब इसके ऊपर तीन प्रॉब्लम्स है, तीनों सेम है, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल सेम, अमाउंट बदले हुए सिर्फ, और तीनों एग्जाम में आए हुए हैं। 17 कोई भी एक सॉल्व करना है अपने को, 17th एक सॉल्व करना है या दो सॉल्व, जितने अभी होंगे क्लास में, बचा हुआ होमवर्क रहेगा। सर सर मत करो, ध्यान दो चुपचाप। 17th प्रॉब्लम, Bad Luck Limited went into voluntary liquidation and proceedings commenced on 2nd July 2017. What is the date of liquidation? 2nd July 2017. Certain creditors could not receive the payments out of the realization of assets and out of the contribution from contributors of A list. The following details of share transfers are made available to you. Name of the transfer shareholders A, B, C, D, E. Number of shares transferred, date of transfer, ceasing to be a member, creditors remaining unpaid and outstanding at the time of transfer of shares or ceasing to be a member. All the shares were of rupees 10 each, on which 5 rupees per share had been paid up. Ignoring other details like liquidators expenses etc., you are required to work out the liability of individual contributors listed above. 5 लोगों के शेयर ट्रांसफर की डिटेल्स प्रॉब्लम में अवेलेबल है। सबसे पहले तो आप मेरे को यह बताओगे, व्हाट इज द डेट ऑफ वाइंडिंग अप? 2nd जुलाई 2017। अब उसके पीछे 12 महीने जाना पड़ेगा, और पिछले 12 महीनों में जिन्होंने अपने शेयर ट्रांसफर किए वो लिस्ट बी में कवर होंगे, पहला क्राइटेरिया। अब ए के शेयर ट्रांसफर कब हुए? 1st March 2016. It is beyond a period of 12 months.
ये तो 12 महीने के पहले का हो गया ना. विल ही बी लिस्ट बी, उसका आएगा क्या लाइबिलिटी? वॉट अबाउट बी? आएगा ना, 15 अगस्त है. सी, डी, ई, ई भी आएगा. नहीं तो अप्रैल बोलेंगे सर जुलाई के पहले आता ना. अरे अभी का है वो 12 महीने के अंदर. राइट. सो कौन कौन है लिस्ट बी में? बी, सी, डी एंड ई. तो ये 4 लोग हैं. अब इनकी लायबिलिटी अपने को ढूंढना है. लिखो. स्टेटमेंट शोइंग ascertainment of statement showing ascertainment of list B contributories. पर्टिकुलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जगह रहने दो. बाकी के सब छोटे छोटे कॉलम्स है. डेट ऑफ ट्रांसफर अनपेड क्रेडिटर्स अमाउंट का है. आता रहो, दे रहो, दे रहो. पर्टिकुलर्स को सफिशिएंट जगह रहने दो ज़्यादा से ज़्यादा.
बनाओ फॉर्मेट। रेडी? एवरीबडी रेडी विद द फॉर्मेट? पहला प्रॉब्लम है इस टाइप का, अच्छे से ध्यान दो। और मैंने आपको बोला कि मटेरियल में प्रिंटेड तीनों प्रॉब्लम एग्जाम में आए हुए हैं, और ऐसे और भी प्रॉब्लम आए हुए हैं, आप सेम कितने रखने हैं इसलिए तीन ही रखे हुए हैं। और ये रेगुलर बेसिस पे एग्जाम में आए जैसा आते हैं, और बहुत सिंपल है, पूरे मार्क्स मिलते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड वन टू फाइव जीरो फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड टू फिफ्टी वन थाउजेंड मत लेना, वो ए के ए है ही नहीं लिस्ट बी में। आया? अब डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बी के शेयर्स कब ट्रांसफर हुए? बी के 15th अगस्त। उस दिन के अनपेड क्रेडिटर्स कितने हैं? 8000 है। मैं क्या बोल रहा हूं सब लोग ध्यान से सुनो अच्छे से। 15 अगस्त को बी के शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं। किसके? बी के। तो 15 अगस्त तक बी शेयर होल्डर था, तो उस दिन तक के क्रेडिटर्स के लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल है ही ना। 15 अगस्त के आगे के लाइबिलिटीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट 15 अगस्त तक तो वो है ही। एट द सेम टाइम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सी डी एंड ई ये तीनों तो उसके बाद शेयर ट्रांसफर किए ना, तो ये चारों भी 15 अगस्त के दिन शेयर होल्डर थे ना, तो अकेला बी रिस्पॉन्सिबल है क्या? बोल तो ये 8000 की लाइबिलिटी तो सब में डिवाइड होनी चाहिए। समझ में आ रहा क्या? राइट। सो ट्रांसफर टू B, C, D and E in the ratio of shares transferred that is 5:2, 2:8:1। ये ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स लिखे ना, उस रेशियो में 8000 को डिवाइड करो। बताओ टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आया? आया?
देन फर्स्ट अक्टूबर अगला ट्रांसफर। क्रेडिटर्स रिमेनिंग अनपेड बताओ 10,750। यू आर रॉन्ग। 10,750 की आउटस्टैंडिंग है, उसमें से 8,000 हमने कवर कर लिया ना ऊपर। इंक्रीमेंटल कितने हैं? 2750। तो 15 अगस्त से 1 अक्टूबर इस पीरियड में 2750 के क्रेडिटर्स आ गए। समझते? एनी प्रॉब्लम? अब मेरे को बताओ, ये जो 2750 है, इसके लिए बी रिस्पॉन्सिबल है क्या? हाउ बी विल बी रिस्पॉन्सिबल? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? सी डी एंड ई, क्यों? तो बी अब था ही नहीं ओनर, तो ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सी डी और ई में। शेयर्ड या ट्रांसफर लिख सकते हैं आप, ट्रांसफर टू या शेयर्ड। सी डी एंड ई इन द रेशियो ऑफ 2:8:1। बोलो 500। एक मिनट, बी के कॉलम में मत लिखना। 500 250 फिर 2250 एक नवंबर को। अब 1 नवंबर को किसके शेयर ट्रांसफर हुए? डी के। तो डी और ई दोनों में ही वो शेयरिंग होगा वापस। समझ रहा है क्या? ट्रांसफर टू डी एंड ई इन द रेशियो ऑफ 8:1 2250 जमते। यहां तक सब साथ में है ना? अगला ट्रांसफर कब है? फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2017। इंक्रीमेंटल कितने क्रेडिटर्स? 2000 है। इट विल बी कंप्लीटली बोर्न बाय ई। ट्रांसफर टू ई लिखो सिर्फ, डोंट ट्राई ट्रांसफर टू ई इन द रेशियो ऑफ 1। क्यों? तो 1 अप्रैल को तो अकेला ई ओनर है ना। डैश 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 2000 जमला बाळांनो। टोटल ए टोटल ए करो टोटल्स। बोलो एंड 3000 आया। क्रेडिटर्स का भी टोटल कर दो ना। एक्चुअल में तो टोटल की जरूरत ही नहीं है, 15,000 है ना। प्रॉब्लम ही दिया है ना।
ये तो लिस्ट भी कॉन्ट्रीब्यूटरीज का शेयरिंग आ गया इन अनपेड क्रेडिटर्स, अनपेड क्रेडिटर्स का शेयरिंग आया ये, अपने को तो लिस्ट ऑफ दिस टू था ना, तो अभी अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स भी देखनी पड़ेगी। ये जो अभी कैलकुलेट किया टोटल ए, ये क्या आया, शेयरिंग ऑफ लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज इन अनपेड क्रेडिटर्स, अनपेड क्रेडिटर्स का शेयरिंग आया ये, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स ट्रांसफर्ड एट द रेट ऑफ कितना है, रुपीज 5 पर शेयर ब्रैकेट में बी। अब कितने कितने शेयर्स ट्रांसफर किए, ऊपर लिखे 1250 इंटू 5 6250, फिर 2500 ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000 1250 आया क्या, आया क्या। Therefore, liability of list B contributories bracket A or B whichever is less, whichever is less अभी ए का अनपेड क्रेडिटर्स में शेयरिंग कितना था, अनपेड क्रेडिटर्स में 2500 और उसके शेयर्स पे अनपेड अमाउंट कितनी है 6250, हाउ मच ही विल कॉन्ट्रीब्यूट, ही विल कॉन्ट्रीब्यूट ओनली लिखो 2500। व्हाट अबाउट बी सी 1500 8000 1250 आया क्या, समझा क्या क्या किया, हैव यू अंडरस्टूड। बहुत सिंपल है ये, 8 मार्क के लिए आता है एग्जाम में। समझ में आया ये क्या क्या किया, नीचे लिखो टोटल पेमेंट टू क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 2500 बी से लिए प्लस 1500 लिए सी से, उनकी जो लाइबिलिटी है वो प्लस 8000 प्लस 1250 बताओ 13,250 पक्का 13,250 टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स बोलो कितने हैं, पंद्रह हजार ना टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स। देयरफॉर परसेंटेज पेमेंट टू क्रेडिटर्स इज इक्वल टू रुपीज 13,250 डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 100 बोलो 88.33
पक्का? दैट इज 88.33 पैसे इन रुपी. आया सबका? एवरीबडी गॉट इट? एनी डाउट? सबको समझाए? हाँ, मतलब अरे तुम समझे नहीं, मेरे को लगा ही था ये किसी को ना किसी को डाउट आएगा. अरे 15 अगस्त के 8000 रुपए के आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर से बोलते, 15 अगस्त के दिन 8000 आउटस्टैंडिंग नहीं थे. अभी जब लिक्विडेशन हो रहा है तो सब पेमेंट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद अब इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग बच गया है अभी भी 8000 रुपए उस दिन का. 15 अगस्त के दिन सिर्फ 8000 के लाइबिलिटीज थे ऐसा नहीं है. लिक्विडेशन में सब कुछ होने के बाद, लिस्ट ए में से जिनसे पैसे आने थे वो सब आने के बाद, अब बचे हुए जो है अभी भी आउटस्टैंडिंग उस दिन के वो 8000 है. हाँ, वही बोल रहा हूं, बीच में कॉल हो गया ना, वो पैसे आ गया तो उसके बाद की पोजीशन है ये सब. ये पोजीशन जो प्रॉब्लम में दी हुई है आफ्टर ऑल थिंग्स, और अब सिर्फ लिस्ट बी का ही अपने को आना है. हाँ, कर सकता है ना. लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो जिसको उसने शेयर ट्रांसफर किया जो पैसा नहीं दे रहा उससे रिकवर करे, वो दोनों झगड़ा करता रहे, कंपनी क्या करना है. एनी प्रॉब्लम? यस, वन मिनट. इफ लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज आर नॉट एबल टू पे, देन व्हाट? नथिंग कैन बी डन, देन दैट इज लॉस. Then that is lost. Nothing can be done. बिल्कुल. Any questions? Problem number 18, 19 homework. दोनों same है, 10-10 मिनट का solution है. Solve the homework. The topic is over. We will start with new topic in next lecture. Thank you.